Hello everyone, welcome to Defense Studies. So this is lecture number 3 of your advanced English series for your upcoming CDS exam. So aaj hum basically discuss karenge kyunki last night I have given you assignment also. To us assignment mein se aapne agar attempt kiya hoga is particular question ko to aap ab aap mere sath solution discuss karenge to aap dekh payenge aapki preparation level kya hai. Aur pehli ek announcement hai isme ke this particular series इज़ फॉर दोज कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी एट अ गुड स्टेज ऑफ देयर प्रिपरेशन. ये नहीं कि आपके अगर 20 मार्क्स आ रहे हैं इंग्लिश के अंदर या फिर 30 मार्क्स आ रहे हैं और आप इस पर्टिकुलर सीरीज़ को आप देख रहे हो तो ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है. आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, जब भी इस पर्टिकुलर सीरीज़ का फ़ायदा है. अदरवाइज आप देखेंगे आपके सिर के ऊपर से जाएगा जो मैं चीज़ आपसे डिस्कस करूँगा. कई बार ऐसा होता है, ठीक है. So this is particular series is a very advanced English series for those candidate who want to create a nudge in their preparation effect, right? एक एज क्रिएट करना चाह रहे हैं 10-15-20 नंबर का, राइट. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन दिस नोवेल आई केम अक्रॉस सम वर्ड्स विच मीनिंग आई डू नॉट नो, राइट. तो पॉज कीजिए वीडियो, अपना आंसर मार्क कीजिए, उसके बाद आई विल डिस्कस. अब देखिए, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं. मैंने दो एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे, ही नोज द मैन हुम हाउस दिस इज, और दूसरा है ही विजिटेड द हाउस विच ओनर इज योर फ्रेंड. आप पहले इन दो क्वेश्चन को ठीक कीजिए, उसके बाद हम जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ठीक करेंगे, ठीक है, उसको करेक्ट करेंगे. देखिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ये जो हुम है और ये जो विच है, ये बताइए सबसे पहले ये क्या है. हुम और विच को आप क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है, क्या चीज़ आप इसको बोल सकते हैं. तो आपका आंसर यहीं से आ जाएगा, राइट. पहले ये देखिए, हुम, हुम क्या है, हुम एक ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, हुम विच, विच होता है एक रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, विच होता है एक रिलेटिव प्रोनाउन जो कि आपका एक कंजंक्शन की तरह भी काम करता है और जो रिलेट करता है एक प्रोनाउन को, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. तो विच है एक जो रिलेटिव प्रोनाउन है दैट कैन act as a subject and an object also and also as a conjunction. लेकिन whom जो है ये आपका objective case का pronoun है, ये सिर्फ object बन सकता है, ये आपका conjunction का काम नहीं करेगा, ठीक है. अब देखिए, he knows the man whom house this is. अब देखिए whom house, जो आपका house है, देखिए आप इसमें hint ढूंढना होता है हमेशा. house क्या है, noun, noun से पहले आपको क्या लिखना होता है, determiner, ठीक है, नाउन से पहले डिटर्मिनर लिखना होता है, ठीक है. उसके बाद आपने नाउन से पहले क्या लिखा है, हुम, हुम एक प्रोनाउन है जो कि यहाँ पे प्रोनाउन की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट, क्योंकि ऑलरेडी नाउन यहाँ पे प्रेजेंट है तो प्रोनाउन की ज़रूरत है नहीं, राइट. अब देखिए, जो हुम है उसको रिप्लेस करना होगा आपको हुज से. हुज जो है वो आपका डिटर्मिनर भी होता है, आपको पता होगा शायद, ठीक है. हुज आपका क्या होता है, डिटर्मिनर, जो कि किसको डिटरमाइन करेगा, हाउस, नाउन को, ठीक है. तो आपको whom को रिप्लेस करना होगा whose से. तो योर आंसर वुड बी, ही नोज द मैन whose house दिस इज. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट, whom, which, whose, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. और सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे आप, अगर आप whom को कहीं सेंटेंस में यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसको एज ए ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ कीजिए, उसको एज ए सब्जेक्ट मत यूज़ कीजिए, ठीक है. whom एज ए सब्जेक्ट नहीं यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे whom को एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया जा रहा है और होम का ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती कि उसको एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया जाए, उसको हमेशा एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, राइट. दूसरा देखिए आप कॉन्सेप्ट, ही विजिटेड द हाउस विच ओनर इज़ योर फ्रेंड, राइट. विच ओनर इज़ योर फ्रेंड, मैंने आपसे कहा था कि विच जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है, वो एज ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट काम करता है. अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट ऑलरेडी है, ओनर, यहाँ पे सब्जेक्ट ऑलरेडी है तो यहाँ पे सब्जेक्ट की ज़रूरत क्या पड़ गई हमें, ठीक है. तो इसको आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, रिलेटिव प्रोनाउन विच को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा. लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे, इज़ योर फ्रेंड, इज़ क्या है, लिंकिंग वर्ब, योर फ्रेंड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट. अब आपको विच, ऑफ विच का यूज़ करना होगा प्रेपोजिशन फ्रेज बनाने के लिए, ठीक है. किसका यूज़ करना होगा, ऑफ विच का, टू मेक इट अ प्रेपोजिशन फ्रेज. सो इसके पीछे जो रीज़न है वो आपको पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पे ऑफ विच का यूज़ क्यों किया, राइट.
क्योंकि जो ऑफ विच है ये एक प्रेपोजिशन फ्रेज है और ये ओनर के बाद लिखी जाती है, मतलब जिस भी सब्जेक्ट को ये डिफाइन कर रही है उस सब्जेक्ट के ये बाद लिखी जाएगी. ही विजिटेड द हाउस द ओनर ऑफ विच इज योर फ्रेंड. ही विजिटेड द हाउस द ओनर ऑफ विच इज योर फ्रेंड. तो एक प्रेपोजिशन फ्रेज हो गई, ये ऑफ विच एक प्रेपोजिशन फ्रेज है, ये उसके बाद लिखी जाएगी जिस सब्जेक्ट को ये डिफाइन कर रही होगी, द ओनर को ये डिफाइन कर रही है तो उसके बाद आप लिखेंगे. अब देखिए आप अपना क्वेश्चन देखिए. इन दिस नोवल आई केम अक्रॉस सम वर्ड्स विच मीनिंग आई डिडंट नो. अब यहाँ पे जो विच है इस विच की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, राइट. यहाँ पे विच की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको रिलेटिव प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको डिटर्मिनर चाहिए क्योंकि मीनिंग एक नाउन है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, डिटर्मिनर चाहिए. लेकिन विच एक डिटर्मिनर नहीं है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है. तो कायदे से तो आपको यहाँ पे हुज़ लिख देना चाहिए, ठीक है, हुज़ एक डिटर्मिनर है. लेकिन हुज़ जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ नहीं किया जाता, राइट. तो कैसे लिखेंगे इसको. इन दिस नोवेल आई केम अक्रॉस सम वर्ड्स द मीनिंग ऑफ विच, द मीनिंग ऑफ विच लिखेंगे यहाँ पे, द मीनिंग ऑफ विच, मीनिंग के बाद ऑफ विच लिखेंगे, ठीक है. ये भी एक प्रपोजिशन फ्रेज है जिसका रिप्लाई आता है हुज, ऑफ विच का रिप्लाई हुज आएगा, द मीनिंग ऑफ विच हुज, ठीक है. तो ये पोजेसिव केस के, ये भी एक पोजेसिव केस का प्रोनाउन हो गया, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ऑफ विच यूज होता है, द मीनिंग ऑफ विच आई डिडंट नो. तो करेक्ट आंसर ये होगा, ठीक है. बी, इन दिस नोवेल आई केम अक्रॉस सम वर्ड्स द मीनिंग ऑफ विच I didn't know. देखिए CDS में यही है, CDS में सिर्फ आपको ABC मार्क करके आना है, इतना ज़्यादा आपको सोचना नहीं है. लेकिन एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि एरर किस में है, ठीक है. तो एक कंसेप्ट भी आपके साथ के साथ क्लियर हो गया और इसके बाद आप इजीली आंसर भी मार्क कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इज द ओल्ड मैन क्लाइम्ड 7 फ्लोर विद हार्डली नो एफर्ट एट ऑल. देखिए आप आंसर कर सकते हैं, शायद आपने आंसर तो कल ही कर लिए होंगे, आई गिवन यू द PDF और डायरेक्टली बहुत जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं इसको. अब देखिए हार्डली और नो, हार्डली एक एडवर्ब होता है जो नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, नो एक डिटर्मिनर होता है, समझिए नो एक डिटर्मिनर है, हार्डली एक एडवर्ब है और नो भी नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है. अब इसमें देखिए द ओल्ड मैन क्लाइम्ड 7 फ्लोर विद हार्डली नो एफर्ट एट ऑल. अब दो नेगेटिव मीनिंग एक सेंटेंस में आप क्यों यूज़ करेंगे, आपको एटलीस्ट एक ही करना चाहिए. या तो आप लिखिए विद नो एफर्ट एट ऑल, हार्डली को आप ड्रॉप कीजिए, ठीक है, हार्डली को आप ड्रॉप कीजिए, सिंपली लिखिए नो एफर्ट एट ऑल, राइट. तो ये आपका करेक्शन हो सकता है. लेकिन आपको क्या करना है, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट करेक्शन करते हैं, मतलब लेफ्ट वाली स्टेटमेंट को हम हमेशा ठीक मानते हैं, राइट मोस्ट जो स्टेटमेंट होती है उसको हमें करेक्ट करना होता है. ये आपको गाइडलाइन होती है, आप जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखते हैं तो राइट मोस्ट आपको ठीक करना होता है, लेफ्ट मोस्ट नहीं, क्योंकि लेफ्ट से तो हम चलते आ रहे हैं पढ़ते हुए, तो राइट मोस्ट सबसे ज़्यादा गलती राइट मोस्ट में जो मानी जाएगी. अब इसका मतलब है आप हार्डली को तो रखेंगे, उसके बाद नो एफर्ट एट ऑल इसको आप ठीक करना चाहेंगे, ठीक है. तो नो की जगह आप एनी यूज़ कर सकते हैं, राइट, क्योंकि नो एक डिटर्मिनर है और एनी आपको यूज़ करना होगा इसकी जगह. तो नो को ड्रॉप करके आप एनी यूज़ करेंगे, द ओल्ड मैन क्लाइम्ड 7 फ्लोर विद हार्डली एनी एफर्ट एट ऑल. नो भी नेगेटिव मीनिंग कर रहा है और हार्डली भी, तो नो को ड्रॉप करके आप एनी यूज़ करेंगे, ठीक है. तो इसमें एक ही नेगेटिव हो गया, हार्डली, राइट. नेक्स्ट इज इफ द कार हैड नॉट ब्रोकन डाउन वी विल बी एट द ऑफिस नाउ. अब देखिए इसमें आपने क्या मार्क किया है, If the car had not broken down. सबसे पहले ये conditional का question है, conditional की जो third condition है that is closed conditional, ठीक है, उसका ये question है. If के बाद आपको had plus verb की third form दिख रही है, had plus verb की third form, it means it's a conditional, वो भी closed conditional. उसके बाद देखेंगे we will be at the office now. Now time क्या है, time है present का, टाइम प्रेजेंट का है और रिजल्ट भी आपका प्रेजेंट में आया हुआ है. तो एक एक आपकी इसमें पर्टिकुलर क्या है, ये मैंने आपके साथ CEPF की जब हम इंग्लिश डिस्कस कर रहे थे तो उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कंडीशनल. जब आपका रिजल्ट, जब आपकी कंडीशन पास्ट की हो, मतलब आपकी इमेजिनेशन पास्ट की हो लेकिन आपका रिजल्ट जो है वो प्रेजेंट में आ रहा होता है, तो आपको विल की जगह क्या यूज़ करना होता है, वुड, राइट. लेकिन अगर यहाँ पे नाउ नहीं लिखा होता, सिंपल ये लिखा होता इफ़ द कार हैड नॉट ब्रोकन डाउन और इसके बाद लिखा होता वी विल बी एट द ऑफिस, नाउ नहीं दिया होता, तो इसका मतलब है ये आपका रिजल्ट भी पास्ट में आया हुआ है क्योंकि आपको टाइम नहीं दिया है नाउ. अब आपका रिजल्ट प्रेजेंट में है तो आपको वुड लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है.
वुड लिखना होगा वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर नाउन नहीं है तो इसका मतलब अंडरस्टूड होगा कि इसका रिजल्ट भी पास्ट में आया है और यहाँ पे आपको लिखना होगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वुड हैव बीन एट द ऑफिस नाउ, तो आपको ये लिखना होगा। लेकिन अब इसमें नाउ प्रेजेंट दिया हुआ है, प्रेजेंट का रिजल्ट है, तो विल की जगह वुड लिखेंगे, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट इज नो सूनर द मैन हैड लेफ्ट द हाउस देन देयर वॉज अ फोन कॉल फॉर हिम। देखिए अब नो सूनर क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम है। द मैन सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आपने लिखा है हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद लेफ्ट हो गया आपकी मेन वर्ब, उसके बाद द हाउस हो गया आपका ऑब्जेक्ट, देन हो गया आपका कंजंक्शन, देयर हो गया आपका डिटर्मिनर, वॉज होगी आपकी दोबारा से लिंकिंग वर्ब, ए फोन कॉल हो गया आपका दोबारा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, फॉर हिम। इस तरह से आपको हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा। अब देखिए मैंने CAPF की जब हम ग्रामर यूज़ कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि जब भी आप एडवर्ब से, किसी भी एडवर्ब से, मतलब किसी भी सेंटेंस की एडवर्ब से स्टार्टिंग करते हैं तो उसको आपको या तो इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना होगा अगर आप एडवर्ब से ही स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अदरवाइज उस एडवर्ब को उठा के आपको मेन वर्ब के साथ लिखना होगा, ठीक है। ये दो तरीके हैं इसको सोल्व करने के। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे, हम इसको मेन वर्ब के साथ नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें आपको दो करेक्शन करनी पड़ेगी। द मैन हैड, द मैन नो सूनर हैड लेफ्ट द हाउस, ठीक है, तो दो करेक्शन होगी, ए और बी में करेक्शन होगी। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है दैट इज हैड, हेल्पिंग वर्ब को हम कहाँ लिख देंगे, सब्जेक्ट से पहले। ये देखिए इन्वर्टेड फॉर्म में आपको बता रहा हूँ, नो सूनर द मैन से पहले हमने हैड लिख दिया हेल्पिंग वर्ब, नो सूनर हैड द मैन लेफ्ट द हाउस देन देयर वॉज अ फोन कॉल फॉर हिम। इन्वर्टेड फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। अगर आपको, अगर CAPF में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मिले तो वहाँ पे आप असर्टिव फॉर्म में भी लिख के आ जाएंगे, दोनों ऑप्शंस ठीक हैं CAPF के अंडर, ठीक है, क्योंकि इन्वर्टेड फॉर्म में, क्योंकि असर्टिव फॉर्म में आप यहाँ लिखेंगे CDS में तो आपको दो चेंजेस करने पड़ेंगे ए और बी में, दैट इज नॉट राइट। CAPF में आपके सामने दोनों ऑप्शन खुले हैं, द मैन हैड सूनर लेफ्ट, मैंने आपको बोला था कि जो नो सूनर है वो आप मेन वर्ब के साथ लिखना होता है, द मैन हैड नो सूनर लेफ्ट द हाउस, दिस लेफ्ट इज मेन वर्ब, तो आपको ये एडवर्ब जो है मेन वर्ब के साथ लिखना पड़ता है, द मैन हैड नो सूनर लेफ्ट द हाउस, राइट। तो इस तरह से आप ठीक कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल है नो सूनर दे रिटर्न होम देन द किड स्टार्ट क्राइंग। अब देखिए दोबारा से नो सुनर एडवर्ब ऑफ टाइम, मतलब एडवर्ब से आपकी किसी पर्टिकुलर सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है, उसमें देखिए या तो आपको उसको इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा या आप उसको असर्टिव फॉर्म में लिखिए। अब यहाँ पे देखिए नो सुनर दे रिटर्न होम, अब आप देखेंगे रिटर्न आपकी मेन वर्ब है और इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है, तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है तो इसका पहले टेंस देखिए, रिटर्न क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, रिटर्न से आप टेंस का पता लगाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू, डू डज डिड में से देखेंगे तो डू आएगी, ठीक है। नो सूनर डू दे रिटर्न होम, इसके बाद यही ऐसे रहेगा, द किड स्टार्ट कराएंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका है आपको इन्वर्टेड फॉर्म में चेंज करने का। नेक्स्ट इज द मैन हु हैड सीन द एक्सीडेंट टू अकर इन्फॉर्म्ड द पुलिस। अब देखिए द मैन हु हैड सीन द एक्सीडेंट टू अकर इन्फॉर्म द पुलिस, इससे पहले आप अपने कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। जो आपकी सो वर्ब होती है, फील होती है, हियर, लेट, वॉच, नोटिस, मेक, इसके साथ आप हमेशा बेयर इन्फिनिटिव यूज करेंगे या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, दो ऑप्शन है आपके पास। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, ये आपको, ये दीज आर द सम रूल्स, जो आपको रूल्स नहीं कहेंगे इसको, दीज आर द दीज आर द थिंग्स इन द ग्रामर जो आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी कि इन पर्टिकुलर वर्ब के साथ आपको बेयर इन्फिनिटिव या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करना पड़ता है, और यही चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। आप सोचते हो कि कुछ और पूछते हैं एग्जाम में, नहीं, इन्हीं चीज़ों से बार बार पूछा जाएगा आपसे घुमा फिरा के। तो दीज पर्टिकुलर वर्ब्स जैसे सी हो गया, फील, हियर, लेट, वॉच, नोटिस, मेक, इनके साथ आप बेयर इन्फिनिटिव यूज़ करेंगे। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब है इन्फिनिटिव होता है सबसे पहले देखिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। जब आप टू को ड्रॉप कर देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो एज ए एडजेक्टिव बिहेव करता है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब एग्जाम्पल देखिए, द मैन सो
थीव्स टू एस्केप इन अ कार, ठीक है, सो वर्ब आ गई सी की, सेकंड फॉर्म है सो, द मैन सो द चाइल्ड टू प्ले इन द कार। अब देखिए दोनों ये आपका इन्फिनिटिव में है, दिस इज इन्फिनिटिव, मैंने आपको बोला था इन वर्ब के साथ आप बेयर इन्फिनिटिव यूज करेंगे या तो आप टू को ड्रॉप करेंगे दोनों में, ठीक है, खाली लिखेंगे एस्केप या फिर प्ले, ठीक है, बेयर इन्फिनिटिव के साथ, या फिर आप लिखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब एस्केपिंग और या फिर प्लेइंग। अब इसमें डिफरेंस होता है, जब आप बेयर इन्फिनिटिव में लिखते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखते हैं तो उसमें डिफरेंस है, डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। द मैन सॉ द चाइल्ड प्ले इन द पार्क, प्ले का मतलब है वो जो बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे वो खेलना बंद करके चले गए और आदमी उनको देखता रहा, ठीक है, मतलब वो एक्टिविटी पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। लेकिन प्लेइंग का मतलब है द मैन सॉ द चाइल्ड प्लेइंग इन द पार्क, मतलब वो बच्चे खेल रहे थे उसके बाद, मतलब ड्यूरिंग दैट प्ले आदमी ने कुछ और काम करना चाह रहा और वहाँ वो वहाँ से चला गया, मतलब वो पर्टिकुलर जो एक्टिविटी थी जो स्टेट थी वो इनकम्प्लीट रहेगी, बच्चे वहाँ पे फिर भी खेल रहे थे, तो ये डिफरेंस है, ठीक है, प्ले और प्लेइंग में मीनिंग चेंज हो जाता है लेकिन दोनों कॉन्टेक्स्ट सही रहेंगे, द मैन सॉ द चाइल्ड प्ले या फिर प्लेइंग इन द पार्क। मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट बता दिया, जब आप प्ले यूज़ करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, प्लेइंग यूज़ करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा। अब देखिए द मैन सॉ थीव्स टू एस्केप इन अ कार, ठीक है, यहाँ पे टू आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, एस्केप, यहाँ पे आप एस्केपिंग भी लिख सकते हैं लेकिन ऐसा कोई होता नहीं है कि आदमी कोई चोर भाग रहा हो और आप उसको बिना देखे ही, मतलब आप नज़र छुपा लें, ठीक है, आप उसको कम्प्लीटली देखते हैं आखिर तक कि वो एस्केप कर रहा है, तो द मैन सॉ थीव्स एस्केप इन द कार, तो ये आपका करेक्ट होगा। अब देखिए आपने क्वेश्चन पे आते हैं फिफ्थ पे, द मैन हु हैड सीन द एक्सीडेंट टू अकर इन्फॉर्म्ड द पुलिस। अब देखिए या तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, टू अक्कर, मतलब टू को सीधा ड्रॉप कीजिए, बी में एरर मार्क कीजिए, सिंपल अक्कर आपका रह जाएगा, तो दिस इज़ द वे। लेकिन अगर आप अकरिंग लिखना चाहते हैं तो आपको दो करेक्शन करनी होगी, टू को भी हटाना पड़ेगा, अक्कर को अकरिंग में चेंज करना पड़ेगा, तो बी और सी दो में एरर आपको चेंज करना पड़ेगा। ये मैं आपकी CAPF की बात कर रहा हूँ, अगर CAPF में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो CAPF में आप कर सकते हैं, आप अकरिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप अक्कर भी लिख सकते हैं, लेकिन CDS में आपको एक करेक्शन करनी होती है तो वहाँ पे आपको टू हटाना पड़ेगा, द मैन हु हैड सीन द एक्सीडेंट अक्कर इन्फॉर्म्ड द पुलिस, ठीक है। नेक्स्ट इज यस्टरडे आई सॉ माई ब्रदर हैविंग रिपेयर्ड हिज फ्रेंड्स बाईसाइकिल। अब देखिए दोबारा से सो वर्ब आ गई, अभी ऊपर ही कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, तो सो के साथ आपको बेयर इन्फिनिटिव में फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखना पड़ता है, तो बताइए क्या लिखेंगे आप इसमें, आप पॉज कर सकते हैं वीडियो, अपना आंसर मार्क कीजिए, राइट। अब देखिए यहाँ पे सो के बाद हैविंग रिपेयर्ड लिखा हुआ है, हैविंग रिपेयर्ड, तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपको हैविंग रिपेयर्ड को ड्रॉप करके रिपेयर या फिर रिपेयरिंग यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि बेयर इन्फिनिटिव यूज़ करना पड़ता है या फिर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखिए नेक्स्ट इज ऑल्दो द टॉयज आर ऑल टुगेदर इन द कबर्ड दे आर नॉट प्रॉपरली अरेंज्ड। आपका एक कॉन्सेप्ट है, आपसे क्वेश्चन है कि ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर इसमें डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल टुगेदर जो इकट्ठा लिखा हुआ है और ये ऑल अलग है टुगेदर अलग है, इसमें कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है, दैट इज योर हिंट, जल्दी से बताइए। अब ऑल टुगेदर होता है कंप्लीटली इन जर्नल, ठीक है, जब आप किसी भी मीनिंग को कन्वे करना चाहते हैं जिसमें कम्प्लीटली वो मीनिंग आप कन्वे करना चाह रहे हैं या फिर इन जर्नल कोई आपका मतलब इन जर्नल वी लिव ऑल टुगेदर, ठीक है, वी लिव ऑल टुगेदर इन जर्नल अदरवाइज वी हैव सेपरेट होम्स, इस तरह से आप बात करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप बात करना चाह रहे हैं ऑल एट ए प्लेस, सभी एक जगह पर हैं, ठीक है, और एज अ यूनिट, तो वहाँ पर ऑल टुगेदर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पे ऑल टुगेदर यूज़ करना पड़ेगा, ऑल एट अ प्लेस या फिर एज अ यूनिट, अगर आप कम्प्लीटली ये वाला मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हैं या फिर इन जर्नल, ठीक है, तो वहाँ पे ये वाला ऑल टुगेदर आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन में ऑल्दो द टॉयज आर ऑल टुगेदर इन द कबर्ड, यहाँ पे कौन से वाला मीनिंग यूज हो रहा है, ऑल एट अ प्लेस, तो आपको ये वाला ऑल टुगेदर यूज़ करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट इज ए फायर ब्रोक आउट इन ए स्लम इन द कैपिटल येस्टरडे फॉर अ शॉर्ट सर्किट इन द ओवर हैंगिंग वायर्स। अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट है बिकॉज और बिकॉज ऑफ। बिकॉज क्या होता है आपका, एक सबॉर्डिनेट कंजंक्शन होता है जो दो क्लोज को जोड़ता है। बिकॉज ऑफ क्या होता है, एक आपका प्रेपोजिशन होता है, ठीक है, आपका एक प्रेपोजिशन होता है जो कि नाउन फ्रेज से पहले लिखा जाता है। किससे पहले लिखा जाता है, एक नाउन फ्रेज से पहले लिखा जाता है, राइट।
बिकॉज ऑफ एक प्रेपोजिशन है, उसके बाद जो भी आप लिखेंगे वो नाउन फ्रेज होगा, वो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा. लेकिन बिकॉज खाली क्या होता है, आपका एक कंजंक्शन होता है जो कि दो क्लोज को जोड़ता है. अब देखिए यहाँ पे आपको किसकी ज़रूरत है, बिकॉज ऑफ की या फिर बिकॉज की, बताइए मुझे. अब देखिए, ए फायर ब्रोक आउट इन ए स्लम क्लस्टर इन द कैपिटल यस्टरडे फॉर अ शॉर्ट सर्किट इन द ओवरहैंगिंग. ये शॉर्ट सर्किट जो है, दिस इज़ अ नाउन फ्रेज, दिस इज़ अ नाउन फ्रेज. और बिकॉज हम क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज इज़ फॉर अ रीज़न. ठीक है, बिकॉज किस लिए यूज़ करते हैं, एडवर्ब ऑफ रीज़न के लिए. ठीक है, रीज़न, रीज़न को दिखाने के लिए हम बिकॉज यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, एज भी यूज़ कर सकते हैं आप, यहाँ पे सो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रपोजिशन यूज़ करनी है ना हमें, तो बिकॉज ऑफ, तो ये प्रपोजिशन हो जाएगी आपकी नाउन फ्रेज के लिए. तो इसीलिए फोर जो है आपका रीज़न के लिए यूज़ नहीं होता है, इसीलिए मुझे इसको ड्रॉप करना पड़ा. राइट, फोर जो है प्रपोजिशन के लिए, मतलब सॉरी, रीज़न के लिए ये वाली प्रपोजिशन यूज़ नहीं होती, इसलिए मुझे इसको ड्रॉप करना पड़ेगा. यहाँ पे बिकॉज ऑफ यूज़ करना पड़ेगा मुझे. ए फायर ब्रोक आउट इन द स्लम क्लस्टर इन द कैपिटल यस्टरडे बिकॉज अ शॉर्ट सर्किट इन द ओवरहैंगिंग वायर. राइट, नेक्स्ट इज, वी आर विटनेसिंग द वर्स्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक इनक्वालिटी इन डिकेड्स. अब कॉन्सेप्ट क्या है, अब जो आपका द आर्टिकल है वो आपका सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है. अब यहाँ पे देखिए, द आर्टिकल है, इसके साथ कौन सी डिग्री है, ये वर्स. ठीक है, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री तो है नहीं, ये आपकी कौन सी डिग्री है, ये आपकी आई थिंक पॉजिटिव डिग्री है या फिर कंपैरेटिव. कंपैरेटिव डिग्री होगी तो जब आपको देन यूज़ करना पड़ता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको इसकी सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी पड़ेगी वर्स की, तो यहाँ पे वर्स्ट आप लिखेंगे. राइट, तो द आर्टिकल सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज़ होता है. अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आंसर आपका आएगा, वी आर विटनेसिंग द वर्स्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन द डिकेड्स. अगर यहाँ पे इन द डिकेड्स लिखा हुआ है, आपको एक रेफरेंस दिया हुआ है, इन द डिकेड्स मतलब यू हैव गिवन अ रेफरेंस, मतलब ये डिकेड रहे हैं 10-15 जो भी हैं, उनमें से वी आर विटनेसिंग द वर्स्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, उसमें से ये डिकेड जो है, ये डिकेड स्पेसिफिकली, ये डिकेड द वर्स्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक, इसलिए स्पेसिफिक हो गया, डेफिनेट हो गया, इसलिए आपको ये सुपरलेटिव डिग्री में लिखना पड़ेगा, यूज़ द आर्टिकल विद सुपरलेटिव डिग्री. ठीक है, वन वर्सेस ऑल का कंपैरिजन है इसमें. देखिए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, माय अंकल इज़ अ टाल मैन इन अवर फैमिली. अगर देखिए माय अंकल इज़ अ टाल मैन, इतना होता तो ये सेंटेंस ठीक था, माय अंकल इज़ अ टाल मैन, लेकिन रेफरेंस दे दिया इन अवर फैमिली, मतलब उस फैमिली में से मेरा अंकल क्या है, टॉल मैन है. क्या ऐसा कह सकते हैं, नहीं, उस फैमिली का रेफरेंस दे दिया तो मतलब उस फैमिली में से ही इज़ द टॉलेस्ट. वहाँ पे आपको सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी पड़ेगी, द माई अंकल इज़ द टॉलेस्ट मैन इन अवर फैमिली. ठीक है, जब भी आपको रेफरेंस मिलता है तो वहाँ पे आपको सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करना पड़ता है. राइट, नेक्स्ट इज, फॉर द लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ ऑफ द इकॉनमी द लिमिट ऑफ कॉरपोरेट बायबैक्स इज़ अ पोटेंशियल सॉल्यूशन. कॉन्सेप्ट देखिए, एक लिमिट होता है, एक लिमिट, देखिए लिमिट जब भी आप यूज़ करते हैं एज अ रेंज. ठीक है, जब भी आप लिमिट का मीनिंग ऐसे रेंज कन्वे करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर लिमिट का मतलब कंट्रोल या फिर चेक होगा, ठीक है, तो आप उसको ऑन प्रपोजिशन के साथ यूज़ करेंगे. लेकिन जब लिमिट का मतलब रेंज से है, ठीक है, रेंज है, तो आप उसको ऑफ प्रपोजिशन के साथ यूज़ करेंगे. ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल और चेक, जब आप लिमिट का मतलब कंट्रोल और चेक से है तो आप ऑन प्रपोजिशन से यूज़ करेंगे. मतलब द आर्टिकल 19 रिमूव लिमिट ऑन द मीडिया. ठीक है, मतलब चेक, मीडिया से चेक हटा दिया आर्टिकल 19 ने. आप पता होगा कि आर्टिकल 19 गिव्स पावर टू द मीडिया. राइट, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं इसमें. उसके बाद लिमिट, देखिए रेंज से मतलब है, जब लिमिट का मतलब रेंज से है तो आपको उसको प्रपोजिशन, ऑफ प्रपोजिशन के साथ यूज़ करना पड़ेगा. अब इसमें देखिए, फॉर द लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी द लिमिट ऑफ कॉरपोरेट बायबैक्स इज अ पोटेंशियल सॉल्यूशन. अब जो ये लिमिट है, ये कंट्रोल चेक से मतलब है, या फिर ये आपका रेंज से है, मतलब इस रेंज में है. ठीक है, 0 से लेकर 10 तक ये रेंज होगी, ये लिमिट होगी आपकी. तो ये वाली लिमिट है, रेंज वाली या फिर चेक या फिर कंट्रोल वाली है. ठीक है, ये आपकी चेक और कंट्रोल वाली है, जो आपके कॉरपोरेट बायबैक्स हैं उस पर अगर आप चेक लगाएंगे, कंट्रोल लगाएंगे, तो ये वो वाला मीनिंग कन्वे कर रहा है. तो यहाँ पे आपको ऑन प्रपोजिशन यूज़ करनी पड़ती है लिमिट के साथ. नेक्स्ट इज, देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट लाइफ द क्लोजर वन लुक्स टू दीज परफॉर्मेंसेज द मोर इम्प्रेसिव द शो बिकम्स. अब आप कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट आपके दो एडवर्ब हैं, देखिए क्लोज और क्लोजली. वैसे देखो मैं आपको बता दूँ, क्लोज जो है आपका वो एज एन वर्ब भी यूज़ होता है,
प्लीज क्लोज द डोर, ठीक है। क्लोज आपका एडवर्ब भी होता है, जब आप बोलते हैं आई एम सिटिंग क्लोज टू यू इस तरह से, ठीक है, तो वह आपका क्या है, एज अ एडवर्ब भी यूज हो गया, ठीक है। लेकिन क्लोजली जो है आपका वो सिर्फ एडवर्ब रहेगा, एडवर्ब ऑफ मैनर रहेगा, ठीक है। इसका मतलब है केयरफुली, जब आप क्लोजली को यूज़ करते हैं वो एक एडवर्ब ऑफ मैनर है, उसका मतलब सिर्फ केयरफुली है। लेकिन जब आप क्लोज एज अ एडवर्ब यूज़ करते हैं तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, मतलब क्लोज, आई एम सिटिंग क्लोज टू हिम, ठीक है, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। लेकिन क्लोजली क्या है, मैनर, मैनर केयरफुली, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, इसमें क्या आप करेक्शन कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, देर इज समथिंग स्पेशल अबाउट लाइफ द क्लोजर वन लुक टू दिस परफॉर्मेंसेस, ठीक है, द क्लोजर वन लुक टू दिस परफॉर्मेंसेस। क्लोजर, यहाँ पे क्लोजर का मतलब क्या है, ठीक है, द मोर इम्प्रेसिव द शो बिकम्स। अब देखिए, जो आपको यहाँ पे क्लोजर जो लिखा है, यहाँ पे आपको क्लोजर ड्रॉप करके यहाँ पे मोर क्लोजली लिखना होगा, ठीक है, ये आपको कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करना है, ठीक है। There is something special about life. More closely one look to these performances, the more impressive the show becomes. क्योंकि यहाँ पे comparison हो रहा है, the more impressive the show becomes, the more closely. तो यहाँ पे comparative degree के साथ आपको more का use करना पड़ेगा, more closely, right? So this is the way to correct this. अब देखिए, next is जेनेटिक इन्फ्लक्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया इन द ब्रोंज एज, ब्रोंज एज वॉज स्ट्रॉन्गली मेल ड्रिवन। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके सीरियस एग्जाम में जहाँ पे आप अपना पेशेंस खो देते हैं, लेकिन सिर्फ आपको हिंट देखना है कहाँ पे गलती हो सकती है। अब देखिए, इन द ब्रोंज एज वॉज स्ट्रॉन्गली मेल ड्रिवन कंसिस्टेंट विद द पेट्राइकल सोशल स्ट्रक्चर एट्रीब्यूटिंग टू द इंडियन यूरोपियन पेस्टोरलिस्ट सोसाइटी। हर एक वर्ड मतलब पता होना चाहिए आपको, ये किस लिए यूज़ हुआ है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, ये चीज़ें आपको क्लियर होगी ना तो आपको कोई नहीं इसमें रोक सकता सीडीएस में 70 प्लस मार्क्स लाने से, ठीक है। अब दो कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस कर लेते हैं फिर आंसर करेंगे। कॉन्सेप्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एज अ मेन वर्ब यूज़ कर सकते हैं, बी की फॉर्म के साथ ing लगाओगे जब आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing यहाँ पे यूज़ होता है, जब आपको कंटिन्यूस टेंस बनाना होता है एज ए जिरंड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, ठीक है। स्मोकिंग, स्मोकिंग क्या है, एक जिरंड है, स्मोकिंग सिगरेट, तो एक जिरंड हो गया, वो आपका नाउन की तरह काम करेगा, ठीक है, इट्स अ नाउन। अब देखेंगे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल, ing की फॉर्म जो आपकी एज ए एडजेक्टिव बिहेव करेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing वो आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह भी यूज़ होता है, और वो जब एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है मॉडिफायर, मतलब उसकी पर्टिकुलर वो क्या बताएगा, उसकी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा, ठीक है। तो ये तीन तरीक़ों से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ होती है। अब देखिए पार्टिसिपल, जब हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात की थी, पार्टिसिपल भी तीन तरह के होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन यहाँ पे दो ही डिस्कस करते हैं। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में बात करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसका मतलब कब यूज़ करते हैं आप, कब यूज़ करना होता है, जब आपको एक्टिव मीनिंग कन्वे करना होता है। इसका मतलब जो आपका नाउन है वही डूअर है, और नाउन से पहले जो आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ किया है वो आपको फिर क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज़ करना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वो नाउन ही डूअर होगा तो आपको एक्टिव केस का प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन अगर वो नाउन डूअर नहीं है, नॉन डूअर है, तो आपको पैसिव मीनिंग कन्वे करना है, तो वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी एज अ पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अब आप देखिए इसमें एट्रीब्यूटिंग, अब जो एट्रीब्यूटिंग है ये आपका क्या है, पार्टिसिपल हो गया, अब आईएनजी फॉर्म में यूज हुआ है तो इसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब इसका जो नाउन होगा वो डूअर होगा। अब एट्रीब्यूटिंग का नाउन कौन सा है, देखिए पेट्राइकल सोशल स्ट्रक्चर, क्या ये डूअर हो सकता है, नहीं, द पेट्राइकल सोशल स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डूअर, तो ये आपको पैसिव स्टेट में यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, पैसिव स्टेट में पैसिव मीनिंग कन्वे करने के लिए यूज़ करना होगा, तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी एट्रीब्यूटेड, ठीक है। नेक्स्ट इज अ हिस्टोरियन एनविजन अ फ्यूचर, फ्यूचर की बात हो रही है, हिस्टोरियन एनविजन अ फ्यूचर इन विच ह्यूमन कैन नॉट बी एबल टू सर्वाइव इफ दे डू नॉट रिमेन कनेक्टेड। अब देखिए कैन जो है, कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट
कैन जो है वो प्रेजेंट एबिलिटीज को शो करता है, एबल जो है वो एबिलिटीज को शो करता है, कैन सिर्फ प्रेजेंट एबिलिटी, प्रेजेंट इज इंपॉर्टेंट कैन के लिए, ठीक है, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, ठीक है, आई एम एबल टू डू दिस, ये आपकी एबिलिटी बताता है। कैन के साथ क्या है, आपकी प्रेजेंट भी जुड़ जाता है। अब विल शैल बी एबल टू, अगर आपको फ्यूचर की एबिलिटी बताना है तो विल शैल के साथ आप एबल यूज करेंगे फ्यूचर एबिलिटीज के, आई विल बी एबल टू डू दैट, तो आप बोलेंगे फ्यूचर एबिलिटी के लिए विल शैल प्लस बी एबल टू। अब देखिए, अब जब आपका कैन भी एबिलिटी दिखा रहा है और आपका एबल भी एबिलिटी दिखा रहा है तो दोनों चीज़ें आप इकट्ठा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे आपको कैन, या तो आपको कैन ड्रॉप करना पड़ेगा या फिर विल शैल के साथ यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन इसमें जो फ्यूचर रेफरेंस दिया हुआ है, दिस इज़ द फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है, फ्यूचर रेफरेंस दिया हुआ है, इसीलिए मुझे यहाँ पे विल शैल का यूज़ करना पड़ेगा, राइट। इसीलिए अगर यहाँ पे फ्यूचर रेफरेंस नहीं होता तो सिर्फ मैं यहाँ पे मैं लिख देता इन विच द ह्यूमंस कैन नॉट सर्वाइव, बस इतना, कैन नॉट सर्वाइव, ठीक है, बी एबल टू को मैं ड्रॉप कर देता, कैन नॉट सर्वाइव लिख देता, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर का रेफरेंस है इसीलिए मुझे विल और शैल को यूज़ करना होगा, विल शैल नॉट एबल टू, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे विल नॉट एबल टू, ठीक है। ए हिस्टोरियन एनविजन ए फ्यूचर इन विच ह्यूमंस विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, ठीक है, तो ये करेक्ट फॉर्म है इसकी यूज़ करने की। अब देखिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एग्जाम्पल है ही कैन बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इफ़ यू हेल्प हिम, इफ़ यू हेल्प हिम, अगर अभी तक तो आपने हेल्प नहीं किया है, आप फ्यूचर में ही हेल्प करेंगे तो ये फ्यूचर का रेफरेंस हो गया, इफ़ यू हेल्प हिम, दिस इज़ अ रेफरेंस ऑफ फ्यूचर, आपने अभी तक हेल्प नहीं किया है, फ्यूचर का रेफरेंस है तो आपको फ्यूचर की एबिलिटी भी दिखानी पड़ेगी, ही विल बी एबल टू सॉल्व दिस पजल इफ़ यू हेल्प हिम, ठीक है। कैन वहाँ पे यूज़ नहीं होगा, मैंने आपको बोला है कैन प्रेजेंट की एबिलिटी को शो करेगा, विल क्या है फ्यूचर की एबिलिटी को, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, स्मार्टफोन कैमराज कैन नाउ टेक फोटोग्राफ्स ऑफ नियर प्रोफेशनल क्वालिटी सो दे हैव लिमिटेशन। अब देखिए जो आपका ये तो बहुत ईजी है, दो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट होगी, स्मार्टफोन कैन नाउ टेक फोटोग्राफ ऑफ नियर प्रोफेशनल क्वालिटीज सो दे हैव लिमिटेशन। अब लिमिटेशन की बात होगी तो सो तो आपको सेम रिजल्ट के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे आपको कॉन्ट्राडिक्शन दिखानी है तो आपको बट कंजम्पशन का यूज़ करना होगा, सो को ड्रॉप कीजिए बट यूज़ कीजिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट और दिस इज़ द थर्ड लेक्चर। अगर आपको पहले दो लेक्चर या फिर इस लेक्चर की आपको PDF चाहिए तो आपको यू हैव टू गो ऑन दिस पर्टिकुलर ऐप, यहाँ पे CDS वाला एक कॉलम बना होगा, उस पर आप जाएंगे लॉगिन करेंगे, ठीक है, तो इस ऐप को डाउनलोड करना होगा, डिफेंस स्टडीज़, ये ऐप आपकी कहाँ पे है, प्ले स्टोर पे है, दिस इज़ ऑन प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर। अगर आपको iOS है आपके पास, iOS वाला वर्जन है, आप एप्पल यूज़र हैं तो आपको क्लास प्लस की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसमें जो ORG कोड है YWSEP ये आपको एंटर करना होगा। ये सभी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो और CDS के लिए जो आपकी इंग्लिश ग्रामर है हम उस पर बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं। सो थैंक यू।